सी, अब मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे रैंक से रिलेटेड और सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन आते हैं, एक एक दो क्वेश्चन रैंक से रिलेटेड बाकी थे। तो रैंक से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट रैंक। तो अप्लाई फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज R4, दैट इज R4 प्लस R1। ठीक है, R4 को चेंज करना है मुझे, तो मैं R4 R1 को प्लस कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाकी जितने भी रोज हैं वो सेम रहेंगी, 1 -1, 0 0 एंड 0, राइट। उसके बाद में ये 0 0 1 -1 0, ये भी सेकेंड रो भी सेम है, थर्ड रो भी सेम है, 0 1 -1 0 एंड 0। फोर्थ रो आपकी चेंज होगी, राइट। 1 और -1 कितना हो जाएगा, 0, और उसके बाद में 0 -1 -1, उसके बाद में 0 0 और 1। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ रो आपकी ऐसे ही रहेगी, 0 0 0 1 और 1, राइट। ये एलिमेंट सारे 0 हो गए। अब इस एलिमेंट में मैं किसको 0 बना देता हूँ, अगर मैं R4 रूप में अगर सारे एलिमेंट को 0 बनाता हूँ, तो अगर इसमें मैं ऐड कर दूँ R3 को, दिस इज R3 और दिस R4, तो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन सपोज मैं लगाता हूँ R4 और R3 को ऐड कर देता हूँ सपोज, ठीक है, तो मेरे पास बाकी जो रोज हैं वो सेम रहेंगी, और ये एलिमेंट जो फोर्थ रो के जो एलिमेंट है वो चेंज होंगे, राइट, 0 0 एंड 0। नेक्स्ट इज 0 0 1 -1 0 0 1 -1 0, ये तीनों रो मैंने सेम कर दिए। उसके बाद में फोर्थ रो को आपको चेंज करना है, फोर्थ रो में कौन सी रो ऐड करनी है आपको, थर्ड रो ऐड करनी है, थर्ड रो ऐड करनी है, तो 0 एलिमेंट हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 0 एंड 1, ठीक है, और फिफ्थ रो आपकी चेंज होगी, 0 0 0 1 1। तो अब देखो ये आपके पास थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, दोनों का क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, 0 0 तो 0 होगा, -1 1 0 0 0 1 -1 0 एंड 1, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब उसके बाद में कौन सा एलिमेंट आपको 0 करना पड़ेगा, उसके बाद में ये वाला एलिमेंट 0 करना है, राइट। अब इस एलिमेंट को 0 करने के लिए आप क्या करोगे, अगर मैं ये R4 और ये आपके पास सपोज R2 है, दोनों को प्लस कर देता हूँ, 1 और -1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस एलिमेंट को 0 करने के लिए आप कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, R4 R4 प्लस R2। तो आपके पास जो बाकी रोज हैं वो तो सेम रहेंगी, दैट इज 1 -1 0 0 0, उसके बाद में 0 0 1 -1 0, उसके बाद में 0 1 -1 0 0। अब देखो इसमें चेंज होने वाला है, अब 0 को 0 करूंगा तो 0 आएगा, 0 को 0 करूंगा ये भी 0 आएगा, प्लस करूंगा -1 +1 करूंगा तो 0 आएगा, 0 1 -1 तो -1 1 0, यही आ रहा है। बाकी जो नीचे की रो जो है वो सेम रहेंगी, 0 0 0, नेक्स्ट इज 1 और -1, राइट। अब देखो ये एलिमेंट 0 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया, ये एलिमेंट 0। अब इस रो में ये एलिमेंट 0 करूं, सबसे पहले आपको ये, अगर ये एलिमेंट 0 है तो किस कौन सी रो लूंगा, फिफ्थ रो, इसके सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए तब इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा, देन वी अप्लाइंग R5 प्लस R4, ठीक है, R5 R4 को 0 कहूंगा तो 1 और -1 क्या होगा, 1 और -1 0, तो यहाँ पे ये 1 और -1 0 का 0 हो जाएगा, R5 रो, बाकी रो सेम रहेंगे, इसको भी 0, 1 और -1 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किस में लगाना है, R4 में लगाना है। अब R4 में जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, अगर मैं R3 के साथ लगाता हूँ तब भी उतना ये 0 नहीं बनेगा, अगर मैं इसके साथ लगाता हूँ
तब तो बन जाएगा, लेकिन आगे मैं लगाऊंगा इसके साथ नहीं बनेगा। अगर मैं आर वन के साथ लगाऊंगा तब भी ये चेंज हो जाएंगी, राइट। इसका मतलब इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब आपके पास जो रोज एक रो आपके पास कैंसिल आउट होगी, तो अपने पास रैंक कितनी बची, वो जिस मैट्रिक्स इज ए तो रैंक इज एन माइनस वन, तो 5 माइनस 1, क्योंकि कितने 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, तो 5 माइनस 1 तो कितना जाएगा, आंसर इज 4। तो आपको यहाँ पर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, राइट। हाउ टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर आपके पास तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा ईजी होता है अदर देन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपकी जो अप्रोच है वो सिंपल सी होनी चाहिए कि एलिमेंट जो है वो आपके इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, राइट। तो मैंने क्या करा, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, किसी भी एक रो को मेरे को 0 बनाना है, तो मैंने इसको 0 बना दिया, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इसकी ना कुछ ना, एक मैंने आपको फाइल भेजी थी कुछ ना, उसके अंदर जो रैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है। वो आप पढ़ लेना इजीली, और अगर नहीं आती तो मैं एक पेज पे लिख के आपको वो भी फ्लोट कर दूंगा, क्योंकि रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, राइट। अब ये गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2017 में आया हुआ है आईटी रुड़की में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। इफ वी इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ डायमेंशन 3 क्रॉस 1, नॉन जीरो वेक्टर का क्या मतलब होता है, मतलब नॉन जीरो वेक्टर का मतलब ये वेक्टर है 3 क्रॉस 1, मतलब 3 क्रॉस 1 मतलब कॉलम वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये वेक्टर है, तो इसके सारे एलिमेंट है वो जीरो नहीं है, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। एंड देन फाइंड द मैट्रिक्स ए, सॉरी देन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू वी इंटू वी ट्रांसपोज, राइट, मल्टीप्लाई कर रहा है, देन हैज ए रैंक, ठीक है, उसकी रैंक पूछ रहा है। अब यहाँ पे रैंक कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो एक मेथड होता है, सपोज एक मेथड ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा लिख के भी फ्लोट कर दूंगा। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, वी और वी ट्रांसपोज, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रैंक ऑफ वी एंड रैंक ऑफ वी ट्रांसपोज, राइट। अब यहाँ पे रैंक ऑफ वी कितना होगा, वी कितना है 3 क्रॉस 1 का एलिमेंट है और नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जाए, इसका मतलब इसकी जो मैट्रिक्स की कितनी रैंक हो सकती है, 1 रैंक हो सकती है, इसकी रैंक कितनी होगी, 1 ही होगी, 1 कॉमा रैंक ऑफ वी ट्रांसपोज। आपको बताया है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, कोई रैंक में चेंज नहीं आता है, तो इसकी भी कितनी होगी, 1। और 1 और 1 का जो मिनिमम होता है वो कितना होता है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता है, या लेस देन इक्वल टू आता है, ये मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ, लेस देन इक्वल टू आता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब रैंक वी इंटू वी ट्रांसपोज कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब आंसर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, आइदर 0 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, बट इसमें तो एक ही आंसर आपको फिल करना है, तो आप क्या फिल करोगे, देर आर टू पॉसिबिलिटी, 1 और 0। अब देखो कोई भी अगर नॉन जीरो वेक्टर होता है, या मैं मानू कि कोई भी अगर जीरो वेक्टर होता है, उस कंडीशन में ही जो है रैंक जो है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की 0 होती है, ठीक है। बट ये बोल रहा है नॉन जीरो वेक्टर, इसका मतलब इसकी जो मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 0 नहीं हो सकती है किसी भी केस में, तो यहाँ पर जो रैंक है वो 0 वाला पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि नॉन जीरो वेक्टर है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, एक नंबर का क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि द रैंक ऑफ ए इंटू बी इक्वल लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, तो उसका जो मिनिमम पार्ट है वो निकाल लिया मैंने, और मिनिमम पार्ट निकालने के बाद में भी दो पॉसिबिलिटी आई, और एक पॉसिबिलिटी मैंने कैंसिल आउट कर दी बिकॉज देन नॉन जीरो वेक्टर इज गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी देता है, बस गेट दे देगा, बाकी नॉर्मल जो एग्जाम्स में नहीं बोलता है कि नॉन जीरो वेक्टर होता है,
बाई डिफॉल्ट अपन रिज्यूम करते हैं, बट गेट हमेशा देता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नॉन जीरो वेक्टर, तो यहाँ पर कैंसिल आउट मैंने जीरो को कर दिया, तो आंसर क्या हो गया। इसमें किसी को डाउट है? फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करा करो, हो रहे हो क्या सब? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट MN 2017 इन IT रुड़की। क्वेश्चन क्या है? दैट इज इफ द रैंक ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज लेस देन 3 देन द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन जो है अपोजिट पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। ये बोल रहा है कि रैंक ऑफ, अगर इसको अपन ए मैट्रिक्स ए है, वो बोल रहा है कि लेस देन 3 होनी चाहिए, मतलब इक्वल टू 3 होना चाहिए। मैक्सिमम रैंक इसकी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम रैंक इज 3, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 1 और 2 या 3, तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, रैंक आइदर 1 और 2 और 3, राइट? तो रैंक ऑफ ए लेस देन 3, ठीक है? तो अब इसमें रैंक ऑफ ए लेस देन 3 का मतलब है या तो 1 हो गया, 2 की, मतलब 3 वाला पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर रैंक ऑफ, कॉन्सेप्ट क्या है, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन एन, इफ नॉट इक्वल टू लेस देन एन, लेस देन एन देन रैंक ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस इज अ कंडीशन। मतलब कहने मतलब ये है, अगर इक्वल टू एन है इसका मतलब जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होगा, ठीक है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है? उसकी रैंक अगर एन से कम है तो क्या बोल रहा है, लेस देन 3 है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल उससे कम है, तो सिंपली क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट 0 कर देना आपको। तो डिटरमिनेंट 1x x x 1x, एक अदर मेथड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे करते हो। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज लेके भी आप इक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो, दैट इज वन मेथड, ठीक है? उससे भी आप कर सकते हो, तो जो बेसिक मेथड है, बट ये आप प्रॉपर्टी से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है? और यही आपको यूज में लेना है एग्जाम में, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो 1 × 1 − x² माइनस एक्स लिया, एक्स के बाद में आ जाएगा x − x², उसके बाद में प्लस x × x² − x, तो सोल्व कर लीजिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 1 − x² − x² − अब इसमें देखो यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है? एक बार माइनस कर लेते हैं, −x² + x³ + x³ − x² = 0, ठीक है? तो इक्वेशन क्या आ गई है, 2x³ − 3x² + 1 = 0, ये इक्वेशन आई है। अब इसके फैक्टर आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है? अब फैक्टर क्या करोगे, एक तो x = 1 फैक्टर आ रहा है, इसको पुट करोगे x = 1, तो एक तो आप क्या लिख सकते हो, x = 1 फैक्टर है, तो x − 1 एक फैक्टर हो जाएगा। इससे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 2x² − x − 1 = 0। ये एक फैक्टर तो डायरेक्टली x = 1 से आ गया। और अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो पार्ट्स आप कर सकते हो। इस पर्टिकुलर में एक तो x − 1 और फैक्टर आ जाएगा, और x 2x + 1 एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसे सॉल्व कर सकते हो। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 1, ये 2 बार आई है, एक −1 y, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन रैंक ऑफ इन ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज लेस देन एन, हियर एन इज द नंबर ऑफ वेरिएबल, देन रैंक ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू, तो सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ नॉट रैंक ऑफ ए, आई दिस इज द डिटरमिनेंट नॉट रैंक ऑफ ए, द डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मैंने गलत लिख दिया है, करेक्शन कर लेना। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इफ द रैंक इज, क्लियर? जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये हर क्वेश्चन में आप लिखते जाना, मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टीज वैसे ही आपको नोट डाउन हो जाएंगी क्वेश्चन के थ्रू। एनी डाउट? वेरी गुड, नेक्स्ट मूव ऑन। अब जो जो लीनियर जो इक्वेशन होती है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, जैसे वन वाला आपके मैट्रिक्स दे रखी है,
और ए बी सी या एक्स वाई जेड सपोज यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे? इसका मतलब क्या है, ये तीन इक्वेशन है, देयर आर थ्री इक्वेशन, ठीक है। अब तीन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो तीन इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे इस तरीके से किया, ठीक है। तो जब भी क्योंकि ऑलरेडी आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको ध्यान में नहीं होगा तो आपको ईजी रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर सपोज मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में सपोज यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ ए मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स होगी, एक्स का मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स होगी, ये मैट्रिक्स बी होगी। अगर कुछ मैट्रिक्स ए एक्स और बी की फॉर्म में है, तो यहाँ पर अपन किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ पहले, ये नोट डाउन करते जाना आप, ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ। आपको पता है पहले से, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी, ऑब्लिक बी का मतलब क्या है, दोनों का कंबाइन कर दिया मैंने, ठीक है, ए मैट्रिक्स ये हुई, ये एक मैट्रिक्स आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो ए ऑब्लिक बी, मैं आपको लिख के बताऊंगा अभी ए ऑब्लिक का मतलब क्या होता है। अगर ये रैंक दोनों की इक्वेट नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में आपके जो सॉल्यूशन होंगे देट आर इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। तो कई बार आपके पास टर्म आ सकती है इनकंसिस्टेंट, कई बार आ सकती है नो सॉल्यूशन, दोनों का एक ही मिलेगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, अगर आपके पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी, अगर ये दोनों रैंक अगर इक्वल हैं और ये दोनों की जो वैल्यू है वो एन के इक्वल है, हियर एन इज द नंबर ऑफ वेरिएबल, या कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, उस केस में जो सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन मुझे मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट होंगे, और यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब डिफरेंट, मतलब एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब। थर्ड पॉइंट, क्या कंडीशन हो सकती है, अगर मान लो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी है, और ज़्यादा तो रैंक हो नहीं सकती, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, कम हो सकती है, तो अगर लेस देन एन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, उस कंडीशन में सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे, सॉल्यूशन तो मिलेंगे, बट उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो या तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर रैंक आपकी ए और ए ऑब्लिक बी अगर सेम नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होंगे, अगर आपकी रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी ए के इक्वेट है बट वो इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपकी जो रैंक जो है दोनों इक्वल हैं बट वो नंबर ऑफ वेरिएबल के, अभी रैंक कैसे फाइंड करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर रो के रो ट्रांसफॉर्मेशन करके जीरो बनाते हैं, ठीक है, तो आपको वहां से रैंक फाइंड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। ये आप नोट डाउन कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, यहां पर आपके ये मैट्रिक्स ए होगी, ये मैट्रिक्स आपके पास बी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप किस तरीके से अपन लिखते कैसे हैं उसका समझिए, कि ए ऑब्लिक बी को लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो ए ऑब्लिक जो बी मैट्रिक्स है वो अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेते हैं, इट इज 2 3 1, राइट, तो 2 3 1 एंड 1 0 2 3 1 5, उससे आगे ये मैंने ऑब्लिक लगा दिया, इसके अलावा 5 -4 और 14, ये मैट्रिक्स इस तरीके से आपकी ए ऑब्लिक बी होगी, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स कंबाइन करके मैं ले रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि रैंक क्या है, ठीक है। अगर सपोज मैं इसको हाइड कर देता हूँ, सपोज, ठीक है, सपोज मैं इस वाले पार्ट को सपोज हाइड कर देता हूँ, ये सपोज मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है,
तो मेरे पास ये रैंक यहाँ से निकाल सकता हूँ, मतलब ये वाले एलिमेंट मेरे को जीरो करने हैं, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले टास्क क्या होगा मेरा, ये वाले एलिमेंट मुझे जीरो करने हैं। उसके साथ साथ ये मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ में लगाता था। अब देखिए किस तरीके से करें, ठीक है? अब सबसे पहले 2 3 है, यहाँ पर 1 है, तो एक काम करो कि अगर मैं इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ तो यहाँ पर कम से कम एक आ जाएगा, तब तो मैं इजीली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो अगर इस तरह से कुछ आपके यहाँ टर्म्स बन रही हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तभी ऐसा कुछ होगा, ठीक है? आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ, तो ये इजी नहीं होगा, ठीक है? तो इजी करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं इन दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, इसका मतलब मैं R1 और R3 को, सॉरी R3 और R1 को एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ आ जाएगा 1 2 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ठीक है? पहले पहले मैट्रिक्स को अपन चेंज कर लेते तो आपके लिए इजी पड़ेगा। मैट्रिक्स को मैं चेंज करता हूँ माइनस में, ठीक है? उसके बाद में ट्रांसमिशन लगाता हूँ, उसके बाद में 301 ये सेम रहेगा, और ये आ जाएगा 2 2 1 1 3, ठीक है? ये 5 -4 4, अब उसके बाद में कौन सा ट्रांसमिशन लगा सकते हो, इसको इसमें से माइनस करना है, तो ट्रांसमिशन क्या लगाओगे आप, R2 में से क्या माइनस करोगे, अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दूँ, 3 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। और इसी तरीके से मैं अगर R3 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दूँ, अगर इसका डबल कर दूँ तो 2 माइनस करना है, तो मेरे पास ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके फर्स्ट और रो तो आपके पास सेम रहेगी, 1 2 5 5, ठीक है? इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करो, 3 -1 कितना आ गया, 3 -3 0, एंड 0 -6 तो -6, एंड 1 -15 तो -14, ठीक है? अब यहाँ पे -4 -15 कितना आ जाएगा, -19। इसी तरीके से 2 -2 0, 1 -4 -3, एंड 3 -8 10, -7, और 14 -10 कितना आ जाएगा, सॉरी -14, इस -14 ये -14 है आई थिंक, दिस इज -14, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, -14 है आई थिंक, या करेक्शन कर लेना, दिस इज -14, ठीक है? ये -14, तो -14 -10 कितना आ जाएगा, -20, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास ये दोनों जीरो एलिमेंट हो गए, अब किसको जीरो बनाना है, आपको इसको जीरो बनाना है, -3 को। -3 को जीरो कब बनेगा, जब मैं इस एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर दूं और माइनस कर दूं, तो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या मैं इसको सिंपल फॉर्म में कहूं, अगर इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं, तो एक ही बात है, ठीक है? मैंने क्या कराया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया -6, और इसमें से माइनस कर दूं, सेम एलिमेंट आ गए, तो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन इजीली लगा सकता हूँ। तो फर्स्ट 2 रो तो सेम रहेगी, 1 2 5 5, 0 -6 -14 -19। अब ये तो 0 में से 0 माइनस करूँगा, 0 ही आएगा, अब -6 में से -6 माइनस करा, 0, अब -14 और +14 तो ये भी कितना आ गया, 0, और -24, अब यहाँ पे देखो -24 में -8 48, और -19 कितना आ गया, -57, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -67, ठीक है? यहाँ पर कितना आ जाएगा, -24, दैट इज -48, और +19 इस तरीके से आएगा, कितना आ गया, लगभग -29, ठीक है? तो आप ये करेक्शन देख लेना, -19 है, क्योंकि मैंने माइनस को प्लस कर दिया था, तो -29, ठीक है? अब देखो और ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, और ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, राइट? अब इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन सपोज करोगे तो ये अगर एलिमेंट है -6, ठीक है, ये एलिमेंट -6 है, अगर इसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो फिर ये चेंज हो सकता है, ये हो सकता है क्या बताओ, हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
है, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ, 6 में 3 से माइनस करूँ तो हो जाएगा यहाँ पे? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर मैं से 6 में 3 में माइनस करता हूँ तो ये वाला जो एलिमेंट जो है ये 0 बन जाएगा, बट ये वाला एलिमेंट 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब एक रो तो 0 होगी, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और रैंक ऑफ, अगर ए ऑब्लिक बी की बात करूँ, मतलब इसको आप पूरी मैट्रिक्स 4x4 की मान लो, देट इज नथिंग बट ए ऑब्लिक बी, तो ये एलिमेंट आपका 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी रैंक कितनी है, 3। तो इसका मतलब दोनों के दोनों जो हैं आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, और मैच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है जो मैंने अभी जस्ट बताई थी आपको? एक न्यू पेज आफ्टर, कौन सी कंडीशन है? नो सॉल्यूशन वाली। तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चंस गेट में हर बार लगभग हर दूसरे पेपर के अंदर पूछते हैं, या हर पेपर के अंदर पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, मेथड यही रहेगा, हर क्वेश्चन का मेथड यही रहेगा, क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट सिविल में आया हुआ है 2016 में, तो मेथड अपने पास वही है। अब इसमें जो क्वेश्चन क्या पूछा आपका, लीनियर सिस्टम इक्वेशन दे दी, ये मैट्रिक्स फॉर्म में दे दो चाहे सिस्टम की इक्वेशन में दे सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अगर इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है तो आप ये जानते हो कि हाउ यू विल कन्वर्ट द सिस्टम इक्वेशन इन टू द मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो इजिली आप मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद द एबीसी सेटिस्फाई। अब इन्हें उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, सिस्टम क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब कंसिस्ट होने के लिए मैंने कंडीशन क्या बता रखी है, कंसिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन बता रखी है, ये देखो, कंसिस्ट होने की दोनों में कंडीशन कंसिस्ट है, दोनों के अंदर रैंक क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। रैंक क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फॉर द कंसिस्टिंग द रैंक मस्ट बी इक्वल, ठीक है। दोनों की जो रैंक है वो इक्वल होनी चाहिए, और रैंक इक्वल कब होगी, या तो 2 होगी दोनों की रैंक, या 3 होगी, ठीक है। तो रैंक कंडीशन आपकी इक्वल होनी चाहिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको, आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, ए एक्स बी के फॉर्म में 1 2 -3 2 3 3 5 9 6, ठीक है, इंटू एक्स। एक्स में क्या क्या वेरिएबल दे रखे हैं यहाँ पर, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, राइट, इक्वल टू ए बी एंड सी, ये दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेरिएबल की फॉर्म में आपको दे रखा है इजीली। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास, एक मिनट, पुराने वाले क्वेश्चन में एक बार देखना, रैंक कितनी आ रही थी, दोनों की इक्वल नहीं आ रही थी, ओके, ये तो सही। अब यहाँ पे देखना आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, दोनों की रैंक क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रैंक ए क्रॉस बी आप सबसे पहले लिखोगे, तो ए क्रॉस बी के अंदर इसको क्रॉस करके और यहाँ ए बी सी में फाइंड करूंगा, ठीक है। तो रैंक ए और बी को इस तरह से लिखेंगे अपन, 6 लॉग ए बी सी, ठीक है। ये कौन सी आप मैट्रिक्स बन गई आपकी, ए ऑब्लिक बी, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड अब मेरे पास क्या होगा, इन दोनों को एलिमेंट को 0 बनाना, फिर इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना, राइट। तो कौन सा ट्रांजिशन में लगा सकता हूँ, अगर मैं इसको इसके डबल में से माइनस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो R2 में मैं लगाऊंगा, R2 -2R, ठीक है। इस एलिमेंट को 0 करना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो R3 में से माइनस करूंगा मैं 5R, एलिमेंट 0 हो जाएगा, दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ने लगाया 1, बाकी 2 रो सेम रहेंगे, इट इज ए, ये भी रो दोनों सेम रहेंगी, 2 3 3 एंड पी। अब यहाँ पे देखो सॉरी सेकंड में भी लगा रहे हैं अपन, सॉरी सेकंड में भी लगा रहे हैं, सेकंड में 0 और 3 -6, 3 -4 कितना आ जाएगा, ये एलिमेंट जो है मेरे पास 0 गया, ये एलिमेंट कितना जाएगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पे 3
-3 इंटू -2 दैट इज +6, कितना आ जाएगा 9। अब बी में से माइनस करोगे 2 टाइम्स ऑफ ए तो कितना आ जाएगा बी माइनस टू। इसी तरीके से 5 में से 5 माइनस करोगे 0, 9 में से माइनस करोगे 4 कितना आ जाएगा 9, सॉरी 9 माइनस 10 वो कितना आ जाएगा -1। 6 माइनस 15 प्लस 15 15 15 6 प्लस 15 कितना आ जाएगा 20। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज सी माइनस 5 है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। रो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए आपको, रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं एक बार देखता हूँ क्वेश्चन में, इसमें भी मिस्टेक है। गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ये वाला भी करेक्शन है, ये माइनस होगा, ये माइनस है, क्वेश्चन में माइनस गिवन है, ये आप करेक्शन कर लेना। यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ये कंडीशन दिखी नहीं इसलिए इसलिए मेरे को डाउट आया। तो -6 प्लस 19 प्लस 15 तो ये 9 आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट सेम नहीं आ रहा था, इसका मतलब मेरे को डाउट लगा कि डाउट 9 आएगा। ठीक है, तो करेक्शन कर लेना है, ठीक है, -6 है यहाँ। अब देखो, अब ये एलिमेंट 0 बनाने हैं, ये एलिमेंट तो सिंपली आपको दिख रहे हैं, दोनों एलिमेंट सेम है। अगर मैं R3 में से R2 को माइनस कर दूँ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अब देखिए 1, 2, -3, ठीक है, ये एलिमेंट ए है, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद में 0, ये रो भी सेम रहेगी, -9 बी -2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 -0, -1 से -1 0, 9 -9 0। अब यहाँ पे सी माइनस 5 में से सी माइनस 5 इसमें से माइनस कर रहे हैं बी -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी माइनस 5 है -b+2, तो ये आपके पास आएगा सी -5a+2, ये तो -3 है -b, ये क्या है, तो ये आ जाएगा सी -3a -b इक्वल टू यहाँ पर 0। अब ये कंडीशन मेरे को बताओ कि ऐसा कब हो सकता है कि जब दोनों की जो रैंक है वो इक्वल हो जाए, कब हो सकता है ऐसा? अगर मैं ये जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट है इसको 0 कर दूं, ऐसे इसको 0 कर देता हूं, सपोज इसको 0 मान लो, इसका मतलब इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी, इसकी तो ऑलरेडी 2 हो चुकी है, इसकी पूरे की 2 0 करनी, मतलब मुझे रैंक ऑफ ए अपॉन बी की 2 रैंक 2 करनी, इसकी ऑलरेडी 0 हो चुकी, 2 हो चुकी है, ये एलिमेंट आपके पास ये रो 0 होगी। अच्छा, तो इसकी पूरे की 0 बनानी है 4x4 मैट्रिक्स की, तो आपको ये भी 0 करनी पड़ेगी, तो ये 0 करनी पड़ेगी, तो ये एलिमेंट ये रो आपकी 0 हो जाएगी। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट अगर रो 0 हो जाए तो इसको आप 0 कर दो। ठीक है, मेथड मैंने आपको बता दिया आपको कि क्यों 0 हो रही है, क्योंकि तो रैंक दोनों की इक्वल होनी चाहिए, राइट, फॉर द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो सी -3a -b को 0 कर दो। ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा आपको, ए इसने पॉजिटिव कर रखा है तो 3a को और सबको इनको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो 3a को पॉजिटिव कर देते हैं अपन, कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन सही। ठीक है, तो मेथड आपके पास जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया मेथड वही रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, जो मैंने जो आपको बताए हैं जो 3 लाइन जो मैंने आपको बताई है कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एनी डाउट प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आस्क इन 2015 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच दैट इज कंडक्टेड बाई IIT कानपुर, दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर गिवन एंड
इट इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ के फॉर विद द सिस्टम इज इनफाइनेटली सॉल्यूशन. मैंने बताया था इनफाइनेटली सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, क्या होगा, मैंने लिखा है जस्ट, कोई मुझे देख के बताओ इनफाइनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा. मतलब उसकी जो रेंज जो है लेस देन रहना चाहिए. बिल्कुल, मतलब कहने मतलब है 3x3 का मैट्रिक्स के 3 वेरिएबल हैं, तो मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है 3. इसका मतलब है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी लेस देन एन, मतलब लेस देन 3, ये कंडीशन होनी चाहिए. अब ये कंडीशन आपको जस्ट मैंने अभी बताई है आपको, ये पुरानी वाली कंडीशन ही मैच कर रही है ये वाला क्वेश्चन की तरह. तो इस कंडीशन में ऐसा ही हो रहा था, इसकी रैंक कितनी आ रही थी 2, इसकी रैंक कितनी आ रही थी 2, बट ये 3 से कम है. तो इस कंडीशन में भी आपको मैं बताऊं, अगर ये कहता इनफाइनाइट कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब भी आंसर सेम होता. तो पिछले वाले क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सेम है. ये कंडीशन कौन सी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की रेंज कितनी आ रही, 3 आ रही थी. तो सेम काम करना है हमको, ये 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है. तो उसमें ये देखना है कि के की वैल्यू क्या हो सकती है, इतना सा काम करना हमको. तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो सपोज ए मैट्रिक्स अपन मान लेता हूँ मैं, या फिर हम डायरेक्टली अपन ए ऑब्लिक बी लिख लेते हैं. ठीक है, एक स्क्रिप्ट मैं मिस कर लेता हूँ, ए इसके ए ऑब्लिक बी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ. तो ये एलिमेंट आ रहा है 1 -2 -2 -3 4 एंड 3 4 -6 और ऑब्लिक क्या आ जाएगा -1 1. ओके, अब डायरेक्टली आपको इस तरीके से लिखना है, ये मैंने लिखने का तरीका बताया था, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एलिमेंट इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, R1 में से अगर मैं सॉरी R2 निकाला ना, R2 में से मैं अगर R1 माइनस कर दूँ तो 0 बन जाएगा, 1 में से 1 माइनस करूँगा तो. R3 का एलिमेंट 0 बनाना तो क्या करूँगा, देखो R3 का मुझे एलिमेंट 0 बनाना है, अगर मैं R1 के 2 टाइम्स करके और प्लस कर दूँ तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, R3 + 2 आपने. तो यहाँ पर फर्स्ट रो तो सेम आएगी, तो -2 3 एंड -1, और यहाँ पर 1 -1 0, -3 + 2 कितना आएगा -1, 4 - 3 1 और 1 ऑफ -1 ऑफ -1 तो कितना आ जाएगा, या 1 है या -1 है तो कितना आ जाएगा, इट इज +2. ठीक है, नेक्स्ट -2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 0, 4 और -4 कितना आ जाएगा 0, -6 और +0 0 आ गया, और k -2 आ गया. अब देखो इसमें अप्लाई करोगे, अब अगेन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एलिमेंट नहीं आएगा. देखो तो इसमें तो ये पॉसिबिलिटी हो ही सकती है. तो इसकी रैंक एक ही कितनी आ गई, 2 रैंक आ गई. इसकी पूरे की रैंक भी 2 बनानी है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसकी रैंक पूरे की 2 बनाने के लिए इस एलिमेंट को क्या कर दोगे, 0 कर दो. तो k -2 = 0, तो k = 2 आ गया. ठीक है, तो आंसर में k ही पूछा है, 2 आ गया. तो ये वाला क्वेश्चन सेम. ठीक है, वेरी गुड जसवंत, 2 आएगा. अगर सपोज यहाँ पर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की जगह मैं कर देता हूँ सपोज, सेकेंड मेरे पास कंडीशन क्या थी, सपोज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन, राइट. यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है, उस केस में डिफरेंट होता. अगर मान लो मैं आपको केस दे देता हूँ, सपोज ये इस एलिमेंट की कुछ वैल्यू होती, सपोज ये एलिमेंट 5 होता. ठीक है, ये एलिमेंट 5 होता, सपोज मैं कंडीशन दे रहा हूँ आपको कि ये कंडीशन आ गई. ठीक है, और उस केस में मुझे बताओ कि इसका सॉल्यूशन मुझे करना है यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, तब क्या आंसर होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर द सॉल्यूशंस आर द यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, तब के की वैल्यू क्या होगी. नहीं, इसको सपोज यूनिक सॉल्यूशन नहीं करते हैं, मैं दोबारा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, ये 0 इसको रहने दो, और ये सेम कंडीशन है, सपोज सेम कंडीशन है, और मैं बोलता हूँ नो इनकंसिस्टेंट
इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अब बताओ आप कि के की वैल्यू क्या होगी, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन अदरवाइज टू, अदरवाइज टू के केस में। वेरी गुड, इसका मतलब के नॉट इक्वल टू टू होगा, के टू नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती, ठीक है। तो मतलब के दो नहीं होगा उस कंडीशन में, इसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में इसकी रैंक तो तीन आ गई, तो इसकी रैंक तीन नहीं बनानी है आपको, कम बनानी है। और कम बनाने के लिए कब होगा, जब ये एलिमेंट जीरो हो ही ना, और जीरो नहीं होगा तब कंडीशन मतलब टू होगा। इसका मतलब रैंक ऑफ ए अगर तीन आ चुकी है तो मुझे रैंक ऑफ ए अपॉन बी क्या बनानी है, टू बनानी है। तो टू बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को मुझे जीरो नहीं करना है, अगर जीरो नहीं करूँगा तब जाके इसकी रैंक क्या बनेगी, टू बनेगी, सॉरी टू बनेगी, ठीक है। फिर जीरो कर दूंगा तब टू बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ये 2007 में आया है आईआईटी कानपुर में। अब फोर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जस्ट मैंने आपको बताया क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, दोनों की रैंक इक्वल आनी चाहिए और रैंक उससे तीन से, तीन वेरिएबल है तो तीन से कम आनी चाहिए, राइट। अब डायरेक्टली मैं ए क्रॉस बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड मतलब वन वन और वन, एक्स प्लस थ्री वाई वन थ्री और थ्री, वन टू और जेड का ऑप्शन कितना है अल्फा, और यहाँ पर है वैल्यूज फाइव नाइन और बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सेम ट्रांसमिशन लगाना आपको, आर टू में से अगर मैं आर वन माइनस कर दूँ तो जीरो हो जाएगा, और आर थ्री में से मैं आर वन माइनस कर दूँ तो जीरो हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो क्या आएगा, इक्वल टू फर्स्ट रो सेम, दिस एलिमेंट जीरो, दिस एलिमेंट टू, दिस एलिमेंट टू, ठीक है, सॉरी थ्री माइनस वन टू, ये एलिमेंट क्या आ जाएगा नाइन माइनस फाइव फोर, दिस एलिमेंट जीरो, टू माइनस वन वन, एल्फा में से मैं माइनस कर रहा हूँ वन तो एल्फा माइनस वन, और बीटा में माइनस कर रहा हूँ फाइव तो बीटा माइनस फाइव, ठीक है। अब देखो ये दोनों एलिमेंट जीरो हो गए, अब इसको इन दोनों को जीरो बनाना है, तो इसको जीरो में बना सकता हूँ, अगर टू आर थ्री में से अगर मैं आर टू माइनस कर दूँ, ये टू माइनस टू कितना हो जाए जीरो, इट इज नथिंग बट द आर थ्री, मैंने आगे लिखा नहीं है, इट इज आर थ्री, ठीक है। ये एलिमेंट आपका बन जाएगा, बाकी दो रो सेम रहेंगी, वन 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 फाइव जीरो टू एंड टू एंड फोर। अब देखो जीरो में से जीरो क्या है जीरो, और टू माइनस टू ये भी जीरो, अब टू ऑफ अल्फा माइनस वन इंटू माइनस टू, तो टू ऑफ अल्फा माइनस वन माइनस टू, तो कितना हो जाएगा टू अल्फा माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टू अल्फा माइनस फोर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टू ऑफ बीटा माइनस फाइव, तो टू ऑफ बीटा माइनस फाइव माइनस फोर, तो टू बीटा माइनस टेन माइनस फोर्टीन माइनस फोर्टीन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, दोनों जो वैल्यू जो है वो अगर मैं इसको भी जीरो कर दूँ इसको भी जीरो, सेम जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था इसके दो इसके जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन, तो इसमें मैं इसको जीरो कर दूँ इसको जीरो कर दूँ, मतलब टू अल्फा माइनस फोर को जीरो कर दूँ और टू बीटा माइनस फोर्टीन को जीरो कर दूँ, तो दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे जीरो, दोनों की रैंक इक्वल हो जाएंगी, मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी और लेस देन थ्री, मतलब देट इज एन, ठीक है, ये एन है इसका, इस कंडीशन में ये भी दो होना चाहिए ये भी दो होना चाहिए, तो दो होने के लिए पूरी रो जीरो होनी चाहिए, इसको भी जीरो कर दे इसको भी जीरो कर दे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी टू, बीटा की वैल्यू सेवन, तो आंसर क्या गया अल्फा टू बीटा सेवन, तो आंसर इज क्लियर। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन,
ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है, आईआईटी गुवाहाटी में 2018 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, कि ए मैट्रिक्स आपके पास है और बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a+3i सॉरी 5i एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो आप फर्स्ट मेथड तो क्या है कि आप ए स्क्वायर फाइंड करो और ए क्यूब फाइंड करो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 3x3, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करो, उनका एड और सम करो, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो और एड और सबट्रैक्ट करो, और फिर बी मैट्रिक्स आप फाइंड करो, ठीक है, बी मैट्रिक्स फाइंड करो, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। तो कम से कम अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी भी है तो आपके कम से कम यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन अगर अच्छी भी है तो आपके कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। अपन को वो काम नहीं करना है, अपन को प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एक हैमिल्टन थ्योरम होती है, हैमिल्टन थ्योरम होती है, केली हैमिल्टन थ्योरम। उसमें क्या होता है कि अगर सपोज आपके पास, अगर आप लेमडा आई माइनस ए मैट्रिक्स को, अगर यर आई इज एंटी मैट्रिक्स और लेमडा इज आइगन वैल्यूज, इसको अगर जीरो करते हो, तो उस केस में अगर जो इक्वेशन आती है इन फंक्शन ऑफ लेमडा, ठीक है, एफ ऑफ लेमडा इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेमडा को ए से ए मैट्रिक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ भी होता है, वो जब आप पढ़ते हो मैट्रिक्स में, आपने ऐसा आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, कि एक केली हैमिल्टन थ्योरम होती है कि लेमडा आई माइनस ए इक्वल टू जीरो करो, जो फंक्शन ऑफ लेमडा आएगा उसे लेमडा की जगह ए मैट्रिक्स आप पुट कर सकते हो, उसको सेटिस्फाई करेगा, दैट ए मैट्रिक्स मस्ट बी सेटिस्फाई ऑफ इक्वेशन ऑफ आइगन वेक्टर, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ये इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, लेमडा आई माइनस ए। तो लेमडा आई माइनस ए का मेथड क्या होता है, पहले लेमडा लो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो माइनस ए मैट्रिक्स लिखो तो आपके पास आएगा, बट इतना लंबा भी आपको नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लिखना है क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम होता है। तो लेमडा आई माइनस ए कैसे करेंगे, यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं, कि जो एलिमेंट आपके डायगनल एलिमेंट है इसको लेमडा में से माइनस कर दो, लेमडा -1, लेमडा -2 और लेमडा माइनस करोगे तो +2, मैंने क्या करा लेमडा में से माइनस कर दो, बाकी जितने एलिमेंट बच रहे हैं उनको आप इनका साइन अपोज कर दो, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, C0 -1 तो 1, -1 तो 1 और 0 0, तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, 0 0 तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, राइट। सबसे पहले मैंने क्या करा लेमडा में से माइनस कर दिया सारे एलिमेंट को, और जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका साइन चेंज कर दो सिर्फ, ठीक है, तो लेमडा आई माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी निकालने का मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है, ठीक है, मोर इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होना चाहिए, डिटरमिनेंट के लिए आप मल्टीप्लाई करो लेमडा -1 इंटू लेमडा +2 और -2, ठीक है, -2 इंटू +2 -0, 0 -0 क्या हुआ 0, देन माइनस, अब 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, +1 और यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर रो के लोगे तो 0 -0 ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन क्या आई है, लेमडा -1, लेमडा -2 और लेमडा +2, ठीक है। इसको क्यूबिक इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, लेमडा -1 और लेमडा स्क्वायर -4, ठीक है, तो लेमडा -1 लेमडा स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा +4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे लेमडा को आपको ए से रिप्लेस करना है, ये कंडीशन ने बताई थी, ये एफ ऑफ लेमडा है, इसको आपको लेमडा से ए से रिप्लेस कर दो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर -4a+4 इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये सही नहीं है, जब भी आप इक्वेशन लिखते हो ये सही नहीं है, तो बता सकता है ऐसे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स क्या है, क्योंकि इसमें मिस्टेक ये है कि ये ए क्यूब ए स्क्वायर ए ऑल आर द मैट्रिक्स बट 4 इज नॉट द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से आप इस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हो बट सम नहीं कर सकते हो,
तो यहाँ पर ऑलवेज कोई अगर कोई एलिमेंट अगर आता है कांस्टेंट, तो इसके आगे अपन एंटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a+5i, तो सेम इक्वेशन दे रखी है बट यहाँ पर 4i है, दोनों तरफ आप क्या करो i प्लस कर दो, तो इक्वेशन क्या आएगी, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a+4i=i। ठीक है, और आई आई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज कितना होता है, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से इस तरह क्वेश्चन आप इस तरीके से फाइंड करो। तो ये जो थ्योरम जो है ये इस तरह की अरे क्वेश्चन आपके पास आ रही है तो पक्का है वो थ्योरम आपके पास अप्लाई। क्लियर?